आप उस कैपेबल हो जाते हैं। बहरहाल इस चैप्टर में बेटा हम चैप्टर का नाम जैसे कि द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। और टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी टॉपिक फॉर मॉडर्न फिजिक्स, यू कैन से द बैकबोन टॉपिक ऑल्सो द फॉर मॉडर्न फिजिक्स। ओके, द फोटोन के बारे में पढ़ेंगे एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर वन होगा आज का इंशाल्लाह। लेक्चर टू में फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट, पढ़ेंगे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस को हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे, पेयर प्रोडक्शन जिसमें हम एनालाइजेशन एंड मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी को दोनों को देखेंगे, ठीक है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे जो हेजनबर्ग ने दिया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। बहरहाल इस प्रिंसिपल में क्या है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जानेंगे। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि लेट सपोज़ ये एक स्क्वायर है, यहाँ आप मौजूद हैं, या एक कह लें एक बॉक्स है, यहाँ आप मौजूद हैं, ये एक और बॉक्स है, यहाँ पर कोई और मौजूद है जो शख्स जो है चल रहा है, आप इस बॉक्स को जो है देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ये शख्स भी क्या कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। अच्छा, अब ज़रा मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा बेटा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट सपोज़ ये शख्स चलना शुरू करता है और आप जो है अभी रेस्ट में हैं, ठीक है, आप नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो फर्स्ट टाइम हमें दूसरे को जब हम देख रहे होते हैं तो हम डाउट में होते हैं, अगर ये शख्स ये नंबर टू है और ये नंबर वन है, अगर ये शख्स जो है क्या कर रहा है, लेट सपोज़ यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो वेरी स्टार्टिंग आप क्या कहते हैं कि क्या नंबर वन इटसेल्फ अगर सोच रहा है तो वो कहता है क्या मैं चल रहा हूँ या सामने वाला शख्स चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ये शख्स अपने आप को एक सिस्टम समझ रहा है, और नंबर वन शख्स भी अपने आप को क्या समझ रहा है, सिस्टम समझ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये शख्स का अपना एक फ्रेम है, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट कौन है, ये है नंबर वन है, नंबर वन का अपना एक फ्रेम है लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट कौन है, नंबर टू है। यानी दोनों शख्स किसी न किसी रेफरेंस से अपने आप को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व का वर्ड जो है यहाँ पर राइट वर्ड है बेटा, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो यहाँ पर पर्पस है अभी रेफरेंस फ्रेम को समझाना है, तो मैंने जैसा कि बताया ये शख्स नंबर टू जो है नंबर वन के लिहाज से अपने आप को एक फ्रेम में पा रहा है, और नंबर वन जो है नंबर टू के लिहाज से अपने आप को फ्रेम में पा रहा है। अच्छा, मैं नंबर टू नंबर वन के लिहाज से कह रहा हूँ, दिस इज द रेफरेंस, ये रेफरेंस है, नंबर टू रेफरेंस वन का ले रहा है और वन जो है नंबर टू का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है बेटा, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये आपके पास जो है वाई एक्सिस मौजूद है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस मौजूद है और ये जेड एक्सिस मौजूद है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो सेट होता है एक्स वाई और जी का, ये कहलाता है एक्सिस कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सिस कोऑर्डिनेट। इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सिस कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, ये जो सेट ऑफ एक्सिस कोऑर्डिनेट है इन्हें हम कहते हैं बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल इस तरह देता हूँ, लेट सपोज कि ये शख्स यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, और मैं यहाँ पर मौजूद था, मैंने कहा वेयर इज़ दिस पर्सन, या यहाँ पर खड़े हुए बाबा जान पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो मैं कहता हूँ कि अंकल ये, सॉरी,
ये रहा आपका बेटा, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है, इसको हम अगर निगलेक्ट कर दें, ये रहा आपका बेटा जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक जनाब वेक्टर ड्रॉ किया, और ये वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा, पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करता है। इसका मतलब कि इस शख्स का अपना एक फ्रेम था और इस शख्स का अपना एक फ्रेम था जो मैं था। तो मैंने इस फ्रेम को इस फ्रेम के लिहाज से ऑब्जर्व किया, और मैंने यहीं इस ओरिजिन पोजीशन पर रहते हुए, मैंने इस ओरिजिन पोजीशन पर रहते हुए क्या किया, आवाज़ दी इस पर्सन को, इस पर्सन ने सुना, और इस पर्सन ने मुझे देखते हुए वापस आवाज़ दी कि क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दो फ्रेम थे, और ये दो फ्रेम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम नाम देते हैं किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग द सेम रेफरेंस पॉइंट। इन सब का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, सेम होता है, इसे हम नाम देते हैं किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स क्या क्या होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। कितनी टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो बेटा इसकी टाइप्स देखने के लिए, ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं या कितनी टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, सॉरी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है बेटा। अगर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी जिसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, और या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर कि ये कार है, इस कार में, अब जैसे ही बन रही है बेटा, आई एम प्राइम, तो इस कार में जो है सपोज कर लें कि आप मौजूद हैं, ठीक है, और ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और बाहर जो है ये कार जो है मुख्तलिफ चीज़ों को देखती हुई जा रही है, ठीक है। तो इस कार में बैठे हुए शख्स को ये जो लोग हैं एक ही स्पीड से मूव करते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और ये जो तमाम लोग हैं वो इस कार को मूव करते हुए देख रहे होंगे, और उनको लग रहा है कि ये एक ही स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये आप जो थे इस फ्रेम में मौजूद थे, ठीक है, और ये फ्रेम जो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, कैसे चल रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो था, ठीक है। तो इसलिए इसे नाम दिया गया क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा, रिपीट कर रहा हूँ, कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, नॉन एक्सेलरेटेड हो, और थर्ड फिर बात आ जाती है कि जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो। क्या हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो, जैसे कि पहला पॉइंट है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एंड नॉन इनर्शियल क्या होता है, यहाँ पर मैंने जस्ट सेटिंग लिखी है, डिफाइन मैं आपको वर्बली कर देता हूँ। तो बेटा नॉन इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एक्सेलरेटेड हो। इसका मतलब क्या है, जिसकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही हो, जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही हो, एक्सेलरेशन यस, और इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अब हम अगली टर्म अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है,
इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है बाय विच इट रेजिस्ट इट्स मोशन। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी मोशन के अगेंस्ट चलती है। ठीक है, यह अपनी मोशन को अगेंस्ट करती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चाहे बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, चाहे बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी किस में हो, मोशन में हो। ठीक है, मोशन किससे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से हो, किससे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब इनर्शिया को बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हम यहाँ पर देखेंगे मास और इनर्शिया प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनर्शिया को आप क्लास फर्स्ट में भी मज़ीद पढ़ा चुका था, मैं बता चुका था। अगर एक हैवी पर्सन है और एक लाइटर पर्सन है तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो अभी अभी बेटा मैंने बात बताई कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर द मास, ग्रेटर विल द इनर्शिया। बात नंबर दो, मुझे बताइए हैवी और लाइटर मास में से कौन सी बॉडी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगी? ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा जिसका मास ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा शो करेगी, जिसका मास ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा शो करेगी। ठीक है, मास कम होगा तो रेजिस्टेंस कम शो करेगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि एक मोटे और एक कमज़ोर शख्स को अगर हम दोनों स्टैंडिंग फॉर्म में थे, अगर हम उन्हें गिरा देते हैं और कहते हैं कि जो जल्दी उठेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी, तो कौन शख्स पहले उठेगा? ठीक है, वो एक कॉमन सेंस बात है। इस सवाल का जवाब बच्चा भी दे सकता है कि जनाब एक कमज़ोर शख्स जो है वो जल्दी उठ जाएगा, किसके मुकाबले में? उस हैवी पर्सन के मुकाबले में। ठीक है बेटा, इसका मतलब हैवी पर्सन का जो हैवी है बल्कि है उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, और जो लाइटर है उसका इनर्शिया क्या है, कम है। लाइटर वाला कम रेजिस्टेंस शो कर रहा हैवियर वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, चलें ठीक, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है या रेस्ट में होता है और नॉन एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है? एग्जांपल में बेटा अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ इट्स मोशन इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, अर्थ जो है कम्प्लीटली एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर इसकी मोशन को निग्लेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अर्थ की मोशन को निग्लेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अर्थ जो है वो जाहिर बात है एक ऑब्लिक पाथ पर मूव कर रही होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट 100% ऑर्बिटल पाथ, अर्थ इज इट्स सेल्फ नॉट अ ऑर्बिटल इन शेप। ठीक है, तो वो भी एक जगह से दबी हुई होती है, बहरहाल हम उसे कम्प्लीटली स्फीयर कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, स्फेरिकल शेप कंसीडर कर रहे होते हैं। नंबर टू इसकी एग्जाम्पल है बेटा, स्पेसशिप इज फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमारा स्पेसशिप होता है या सैटेलाइट होता है वो अर्थ के सराउंडिंग में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या मैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों जो हैं वो अपना अपना रेफरेंस फ्रेम रख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने किसकी एग्जाम्पल देखनी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, अगर नहीं करेगा तो उसे हम इनर्शियल नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं जनाब। आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पर बात आ जाती है व्हाट इज रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी को समझाने के लिए, रिलेटिविटी इज अ फिनोमिनन को समझाने के लिए हम जो है कोशिश करते हैं रिलेटिव मोशन को समझने की। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? एक एग्जांपल मैंने लास्ट आपको टू स्लाइड्स बिफोर फर्स्ट स्लाइड में दी थी शायद, और उसमें समझाया था कि ये एक पर्सन है जो इस फ्रेम में मौजूद है और ये सेकंड पर्सन है जो इस फ्रेम में मौजूद है। ठीक है, या लेट सपोज सपोज कर लें कि आप बस में या कार में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बस और कार जो है आगे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर बाहर मैं गाड़ी वाला और
पान वाला और साइकिल पर और ये खेत में लोग काम कर रहे हैं, ये सब मौजूद है इन्वायरमेंट में जो देखता हुआ जा रहा है। कौन? बस में मौजूद शख्स। बस मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। ये बाहर वालों को देखेगा तो क्या कहेगा कि बाहर वाले लोग चल रहे हैं, ठीक है, और मैं रुका हुआ हूँ। तो वाकई ये रुका हुआ होता है, ये रुका हुआ होता है, लेकिन गाड़ी चल रही होती है। लेकिन ये अपने आप को कंसीडर करता है कि मैं रुका हुआ हूँ और बाहर की दुनिया चल रही है। ये कहता है वो देखो बाहर ये गुजर गया, ये देखो ये गुजर गया, ये देखो वो पान वाला गुजर गया, वो साइकिल वाला गुजर गया, ठीक है। ये अंदर बैठे हुए शख्स को बोल रहा होता है कि यार वो दुकान गुजर गई, वो बस गुजर गई, ये साइकिल वाला गुजर गया। अब ये साइकिल वाला शख्स जो है क्या करता है, फौरन कहता है कि देखो ये बस बस चली गई, ठीक है, ये देखो बस में बैठा हुआ मेरा दोस्त भी चला गया, ठीक है बेटा, वो ये कह रहा होता है। अब इन दो बातों से क्या मुराद है? इन एन एक्चुअल अगर हम देखें और इजी मैनर में अगर हम देखें तो बेटा हमें यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिल रहा है? हमें यहाँ पर कंक्लूजन मिल रहा है कि जनाब बस वाला कहता है कि बाहर की दुनिया चल रही है और बाहर की दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि जनाब बस चल रही है। इसके लिहाज से बॉडी वन के लिहाज से बॉडी टू मोशन में है, बॉडी टू के लिहाज से बॉडी वन मोशन में है, ठीक है। अब हम आइंस्टाइन के तहत हम ये बात कह सकते हैं कि बॉडी वन भी मोशन में है, बॉडी टू भी मोशन में है, ठीक है। अब अगर दोनों ही मोशन में हैं तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों रेस्ट में भी हो सकती हैं और दोनों मोशन में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इन बॉडीज की जो ये मोशन एक दूसरे के लिहाज से है तो इसलिए इस मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं बेटा? रिलेटिव मोशन, ठीक है। और ये जो फिनोमेनन है ये कहलाता है रिलेटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिविटी, ठीक है। आइंस्टाइन ने बेटा आइंस्टाइन ने तकरीबन 1905 में अपने ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया। इसकी रूट कॉज क्या थी, ठीक है, क्यों पेश किया, क्या वजह थी, रीज़न क्या था इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश करने का। तो इन शॉर्ट में आपको समझा दूं बेटा, तकरीबन 2 साल 200 साल के करीब, और 2 साल न्यूटन ने इस साइंस की दुनिया पर राज किया है, हुकूमत की है। न्यूटन की तमाम बातों को एक्सेप्ट किया लोगों ने, ठीक है, और मानते रहे। इवन दो लाइट पर भी जो है न्यूटन ने थ्योरी दी, ठीक है, और लाइट के बारे में न्यूटन कॉर्पसलर थ्योरी दी और उसकी थ्योरी को भी माना जाता रहा और सही समझा जाता रहा, जिसमें विजन का कॉन्सेप्ट उसने पेश किया जो गलत था लेकिन लोगों के जरिए सही समझा जाता रहा, ठीक। उस डिटेल से निकलते हुए मैं एक्चुअली आइंस्टाइन की थ्योरी की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ। तो बेटा न्यूटन के लॉज जो थे उन तमाम बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल थे जो ये कह लें कि कम स्पीड पर मूव कर रही थी, ठीक है। आइंस्टाइन ने इन तमाम बातों को सोचा और स्पेशली उन बॉडीज़ के लिए बात की जो किससे मूव कर रही हूँ, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही हूँ। जब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आइंस्टाइन ने उन ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा तो, और कंपेयर किया न्यूटन के लॉस को, तो वहाँ न्यूटन के लॉस जो थे वो मिसमैच हो रहे थे। यानी वो बॉडीज जो स्पीड ऑफ लाइट, नियरेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही हो या फास्ट मूविंग बॉडी हो, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया जो स्पेशली इनर्शियल फ्रेम के लिए थी, और इसकी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो रहे थे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इसलिए एप्लीकेबल हो रहे थे क्योंकि इसने स्पेशली ये थ्योरी डिज़ाइन की थी इनर्शियल फ्रेम के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, नॉन एक्सेलरेटेड हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो लिहाजा वही स्टार्टिंग बात बेटा आपकी क्लियर होनी चाहिए तो फर्दर बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा इसके दो पॉस्टुलेट्स थे,
जो आइंस्टाइन ने दिए, दोनों पॉस्टुलेट में आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। पहले पॉस्टुलेट के अंदर आइंस्टाइन का कहना था कि कोई भी स्पेशली प्रेफर्ड या एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, मींस कोई ऐसा स्पेशल दुनिया में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेशल नहीं है कि जहाँ पर न्यूटन के लॉज अप्लाई हो रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो है न्यूटन के लॉज अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन के लॉज या मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस अप्लाई हो रही हों। ठीक है, तमाम फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हों। ठीक है, उसने इस बात को निगेट किया कि देर इज़ नो प्रेफर्ड और एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि कोई ऐसा प्रेफर्ड या एब्सोल्यूट जो है तन तनहा इनर्शियल फ्रेम नहीं है। और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स के लॉज या मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो फिजिक्स के लॉज में ही आती है आर एप्लीकेबल इन द इनर्शियल एंड ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, तमाम इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं। ये पहला पॉस्टुलेट था। इसका मतलब इन शॉर्ट कि न्यूटन लॉज हो या मैक्सवेल लॉज हो, इनका सम कर दें तो फिजिक्स के लॉज हो, तो फिजिक्स के लॉज तमाम या हर नस्ल के इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होते हैं। ठीक है, अमीर गरीब पुराना नया कराची इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी को नहीं देखेगा। ठीक है, फ्रेम इनर्शियल होना चाहिए, लॉज वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो चाहे कोई सा भी अर्थ हो या कोई और सा प्लानट हो, अर्थ हो या कोई और सा प्लानट हो, वहाँ हर जगह जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होंगे। नंबर टू है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम में जो है सेम होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों था, तो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ये बात आती है, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है हमें बड़ी हेल्प करती हैं, और यही रूट कॉज बनती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी। बहरहाल जनाब आइंस्टाइन ने हेल्प ली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या थी, मिस्टेक क्या थी या डिफेक्ट क्या था? उसने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट हर इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, और इसको समझने के लिए अपनी हद तक रखिएगा कि बेटा सपोज करें वो तमाम घर जो सूरज से करीब है, वो तमाम घर जो सूरज से करीब है, लाइट वहाँ पर पहले जाएगी। ठीक है, और वो तमाम घर जो सूरज से दूर हैं, लाइट वहाँ पर बाद में आएगी। तो ये कॉमन सेंस, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब मुझे बात नंबर दो कर रहा हूँ, वो तमाम घर जो सूरज से करीब हैं वहाँ पर लाइट पहुँच रही है, और वो तमाम घर जो सूरज से दूर हैं वेरी स्लाइट डिफरेंस के साथ लाइट वहाँ पर भी पहुँच रही होगी। अब मुझे बताइए, क्या जब दोनों जगह लाइट पहुँची, क्या दोनों जगह स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होनी चाहिए? क्या स्पीड ऑफ लाइट दोनों जगह सेम नहीं होगी? यस, स्पीड ऑफ लाइट दोनों जगह क्या होगी बेटा, सेम होगी और सेम होनी चाहिए। यही पॉइंट जो है आइंस्टाइन ने उठाया, आपने इस पोस्टुलेट में ऐड किया। क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर के लिहाज से ये इंडिपेंडेंट होगी स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर फ्रेम में जो है हमें सेम मिलती है। अगरचे अगरचे आप ये कह लें कि हर जगह डेंसिटी क्या हो, सेम हो, हमने जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यही बात जो है हम समझना चाह रहे हैं। या आइंस्टाइन के दो पॉस्टुलेट्स हमने देखे। ठीक है, इन दो पॉस्टुलेट्स में हमने जो है, एक तो इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन जो है वो सेम होते हैं, दूसरा हमने सीखा कि जनाब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन और सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर भी होती है।
ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है हर जगह कांस्टेंट होती है, ठीक है, सेम होती है। आगे चलते हैं बेटा, आइंस्टाइन ने फिर अपने रिजल्ट्स दिए, ठीक है, उसके रिजल्ट्स में जो हम जनाब पहला रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स में जो पहला रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा मास वेरिएशन, ठीक है, क्या है मास वेरिएशन। अच्छा, मास वेरिएशन को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की, और इस मास वेरिएशन के ऊपर जो है कई साइंटिस्ट में आपस में बहस भी चल रही है, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। फर्क हमने जो है क्या करना है, अभी जो बात हमारे सिलेबाई में मौजूद है उसे पढ़नी है और उसे क्लियर करनी है और उसे आगे के लिए रखना भी है जनाब, ठीक है। तो बेटा चलते हैं हम कि ये मास वेरिएशन है क्या। बेटा एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 एंड मीटर पर सेकेंड। ये सी जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, अच्छा इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, नहीं है जो इस स्पीड को एक्वायर कर सके। अगर बॉडी मास एम इस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो इस बॉडी को क्या चाहिए? इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चा एक बात बताएं, जब इस बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना है तो इसे इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, तो अगर ये बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो इस बॉडी का मास भी क्या हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट मास। मतलब क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर इनफाइनाइट मास होगा तो उसे एनर्जी कितनी लगेगी? इनफाइनाइट, ठीक है। अगर लाइटर मास था तो फिर लाइटर एनर्जी लगनी चाहिए थी इसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने के लिए, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने के लिए इसे क्या चाहिए? इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। और इनफाइनाइट एनर्जी का मतलब क्या है कि इसका मास भी क्या है? इनफाइनाइट है, यानी मास क्या हो गया? बढ़ गया। मास क्या हो गया? बढ़ गया। मास में इंक्रीज आ गया। मास में इंक्रीज कब आया? मास में इंक्रीज जब आया जब क्या हुआ, बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर गई। तो हम भी यहाँ पर यही बात स्टडी करना चाह रहे हैं बेटा। यहाँ पर एम नॉट जो है हमारे पास क्या है, एम नॉट हमारे पास कहलाता है रेस्ट मास, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में, और यहाँ पर एम जो है वो कहलाता है रिलेटिव स्टैटिक मास, ठीक है, या मूविंग मास कहलाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट जो अपने रेस्ट मास में हैं, अब रेस्ट मास से मुराद रेस्ट में नहीं होता है, अगर लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ऑर्बिटल पाथ, कभी भी अपने एटम में रेस्ट में नहीं होता है, बल्कि कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? स्पिन और ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एट दैट स्टेट वी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एज ए रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन को फिर क्या कहते हैं? रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर उसे एनर्जी देकर उस एटम से भगा दिया जाए तो जितनी स्पीड से वो भाग रहा होगा तो वो कहलाएगा उसका मूविंग मास। क्या कहलाएगा बेटा? मूविंग मास। और उस मूविंग मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। तो बेटा इस जनाब मास वेरिएशन में बात क्या क्लियर हुई कि जब भी बॉडी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाए। अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इनफाइनाइट, और कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मास मास जो है बहुत 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 ज़्यादा हैवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मास जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, मेरी बातें गौर से सुनिएगा, लिखी भी नहीं है, मास जो है एब्सोल्यूट नहीं है, और इसका मतलब मास जो है यहाँ पर क्या है? रिलेटिव है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है? रिलेटिव है।
यानी स्पीड बढ़ाने से मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आइंस्टाइन ने बेटा एक लॉरेंस फैक्टर को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने एक एक्सप्रेशन बताई और इस मास को बताया, विच इज़ एम इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ वी? वी जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, वी क्या है बेटा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, सी क्या है बेटा आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है, और एम जो है आपके पास क्या है वो आपके पास मूविंग मास है बता चुका हूँ, और एम नॉट क्या है ओ फॉर औकात, ओ फॉर ओरिजिनल, ओ फॉर नॉट, ठीक है, ये सारी बातें एम के लिए हैं। तो ओरिजिनल मास या इनिशियल मास या रेस्ट मास, या रेस्ट मास, तो एम क्या हो गया मूविंग मास हो गया, ठीक है। और ये जो आप अंडर रूट में फैक्टर देख रहे हैं 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये लॉरेंस फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉरेंस फैक्टर कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आजकल जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है और रिसेंटली ये साइंस तरक्की कर रही है, उस तरक्की में एक बहुत बड़ी तरक्की जो है वो आपके पास साइक्लोट्रॉन है, और साइक्लोट्रॉन की बात कर रहा हूँ बेटा। मैंने जैसा कि कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को एक्वायर नहीं कर सकता, अगर उसे स्पीड ऑफ लाइट एक्वायर करनी है तो उसे क्या देना पड़ेगी, इनफाइनाइट एनर्जी, और इनफाइनाइट एनर्जी के लिए इनफाइनाइट सोर्स बनाना पड़ेगी जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसके करीब करीब तो जा सकते हैं ना। तो उसके करीब करीब जाने के लिए हमें, मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी दे रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट से मुराद, डिफ्लेक्शन से मुराद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ रही है तो मैंने अभी भी बताया कि स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से मुराद, स्पीड बढ़ने से मुराद आपकी एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? एनर्जी। तो एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो मास भी वैरी कर रहा है। जब मास वैरी कर रहा है तो हम इस बात को मास वेरिएशन में ले आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस होती है जिसमें हैवीएस्ट एंड पावरफुल मैग्नेट लगे हुए होते हैं, अ सीरीज ऑफ मैग्नेट्स लगी हुई होती है, और वो सीरीज ऑफ मैग्नेट जो है इन ये कह लें कि ट्यूब फॉर्म होते हैं और राउंडेड इन फॉर्म होते हैं, एक ट्यूब की शक्ल के होते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रैप होकर रह जाए और इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए उसमें कि इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाए। अगर वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी, और उसका फिर हम फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट पर्पस। तो स्वीडन में ये सिस्टम एम्प्लॉयड है। बहरहाल तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली जो है बेटा ये साइक्लोट्रॉन में देखा गया है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर चुका है, ये बात स्टडी की जा चुकी है। अगला टॉपिक है हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताता हूँ, लेट सपोज ऑब्जेक्ट वन है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट वन टू को देखता है और टू जो है वन को देखता है, दोनों का साइज 1 मीटर है, दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं हम दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट वन भागना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट वन स्लो स्लो भागता है, तो ये जो शख्स है नंबर टू जो है इसको देखता है, और इसको देखते हुए ये फील करता है कि शायद ये रनिंग कंडीशन में है कि मुझसे छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास एक स्पेसिफिक लेंथ का था 10 मीटर 20 मीटर का था, तो शायद इसको एक डॉट या इस डॉट से बड़ी शक्ल नजर आए, ठीक है बेटा, सपोज कर रहा हूँ मैं,
यानी क्या होगा, अपने ओरिजिनल साइज से बहुत छोटा नजर आएगा, अपने ओरिजिनल साइज से बहुत छोटा नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इसकी एग्जांपल, बचपन की एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ कि जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन रुकी हुई हो तो उसके आप एक एक कंपार्टमेंट को ईजिली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में ट्रेन हो तो आपको जल्दी जल्दी हर कंपार्टमेंट को काउंट करना पड़ता है। लेकिन जब एक फास्ट मूविंग ट्रेन कहीं से आ रही हो और आपके उस प्लेटफॉर्म पर ना रुके जहां पर आप मौजूद हैं, तो क्या होगा, क्या आप तमाम कंपार्टमेंट्स को काउंट कर पाएंगे? जवाब होगा नो, नेवर। हम तमाम कंपार्टमेंट्स को या उसके तमाम बोगीज को या बॉक्सेस को काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर वो ट्रेन जो है, सपोज कर लें कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो वो ट्रेन कितनी देर आपको दिखाई देगी? आप कहोगे वो तो पलक झपकते में निकल जाएगी। अगर वो ट्रेन खड़ी भी होती, रुकी भी होती, तो आपको वो जनाब, क्या आप उसे कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर पाते? यस, कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर पाते। फिर आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता, बहुत लंबा विजिबल आपको जो है विजिबिलिटी अपनी करनी पड़ती है, और वो ट्रेन बहुत बड़ी नज़र आती है। लेकिन वही ट्रेन जब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर गई है तो वो ट्रेन आपको बहुत ही शॉर्टर नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? शॉर्टर नज़र आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो फिनोमेनन है इसे हम कहते हैं क्या बेटा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है। जिसे रियलाइज़ किया किसने? आइंस्टाइन ने, और अपने इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स में, रिजल्ट्स में ऐड किया, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो फॉर्मूला था बेटा, एल इज इक्वल टू एल नॉट, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, एक ही बात है, वी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेनन था, और बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं टाइम डायलेशन पर। किस पर? टाइम डायलेशन पर। अच्छा जनाब, टाइम डायलेशन को शुरू करने के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि अगर लेट सपोज मेरे पास दुनिया में तमाम लोग जो मौजूद हैं, इन सबके पास घड़ियाँ हैं, ठीक है, वॉचेस मौजूद हैं, ठीक है जनाब, तो हमारे जहन में क्या ख्याल होता है कि, और चांद पर भी कुछ लोग गए, उनके पास भी घड़ी मौजूद है, और एक्स वाई जेड प्लैनेट पर भी गए, उनके पास भी वॉचेस मौजूद हैं। तो हम ये कंसीडर करते हैं और हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ये यूनिवर्स में, उन तमाम के पास जो क्लॉक्स हैं वो इक्वली ट्रैवल कर रही होंगी या इक्वली मूव कर रही होंगी। तो अगर आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट के तहत देखा जाए या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत देखा जाए तो इन रियल ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती है, या आइंस्टाइन ने किया था, आज तक इस पर काम चल रहा है, तो कैसे अंडरस्टैंड करें इस बात को? इस बात को जारी बात है अंडरस्टैंड करना है और करते हैं। मुझे ये बताएं कि लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक गधा और एक घोड़ा, दोनों को हम एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और दोनों को वहाँ से मूव करने के लिए कहा जाता है बाय हिटिंग और बाय पिंचिंग, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रोक्स उनको किसी भी तरीके से वहाँ से भगा दिया जाता है। और सपोज कर लें कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों इतने एनर्जाइज हैं कि वो किसी भी रास्ते में किसी भी जगह पर नहीं रुकेंगे, मुझे बताइए पहले कौन पहुँचेगा? तो जवाब आएगा ऑफ कोर्स हॉर्स पहुँचेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और डंकी की स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। इसका मतलब मुझे बताइए कि कौन कम टाइम में पहुंच रहा होगा? आपने कहा हॉर्स, और कौन ज़्यादा टाइम में पहुंच रहा होगा? आपने कहा डंकी।
एग्जाम्पल टू ले लेते हैं कि मैं हूँ एक स्पेसशिप है, हम दोनों में से अगर मैं रुका हुआ हूँ और स्पेसशिप रन कर रही है, स्पेसशिप में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो मुझे बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी या मेरे दोस्त की जो स्पेसशिप में मौजूद है। तो जवाब आएगा दोस्त की, जो स्पेसशिप में मौजूद है उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसकी क्लॉक जो है वो लेट सपोज अपने घर किसी भी पॉइंट ए से और अपने घर जो है वो आधे घंटे में पहुंचता था, वो स्पेसशिप में बैठ जाता है और वो आधे घंटे का सफ़र 1 मिनट में तय कर लेता है, और वो अपनी घड़ी में देखता है और परेशान होता है कि मुझे तो आधे घंटे बाद पहुंचना था लेकिन मैं तो 1 मिनट में पहुंच गया। तो उसने क्या फील किया? उसने ये फील किया कि मेरी क्या क्लॉक स्लो चल रही है, एकदम थिंकिंग आती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी क्लॉक जो है क्या हो गई, ख़राब हो गई या स्लो हो गई। नहीं जी, ऐसा नहीं था, आपकी क्लॉक स्लो नहीं हुई, आपकी स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है। और स्पीड बढ़ने की वजह से हमें ये फील हुआ कि हमारी क्लॉक जो है क्या हो गई है, स्लोअर हो गई है। और जबकि मैं जो उस पॉइंट ए पर खड़ा हुआ था और 1 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ कि तुम अपना लंच बॉक्स भूल गए, वो तो ले जाओ, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है तुम पागल तो नहीं हो, मैं तो अपने घर पहुंच गया हूं। मैं कहता हूं तुम 1 मिनट पहले तो निकले हो। हाँ लेकिन तुम्हें तो लगता है आधा घंटा। उसने कहा हाँ आधा घंटा लगता है लेकिन आज मैं 1 मिनट में पहुंच गया, स्पेसशिप में आया हूँ और वो बहुत ज्यादा स्पीड से आया। तो मेरा दोस्त मुझसे तकरार करने लगा, नहीं, तुम बहुत ही पागल हो, 1 मिनट नहीं गुजरा है, तुम जरा घड़ी चेक करो, आधा घंटा गुजरा होगा, तो मैं उसको रियलाइज करवाता हूँ। नहीं भाई, 1 ही मिनट गुजरा है और तुम 1 मिनट में पहुंचे हो। तो फिर उसको रियलाइज होता है क्या स्पेसशिप इतना तेज चला कि मैं 1 मिनट में पहुंच गया। मैंने कहा जी, इसका मतलब कि स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम हो गया, ठीक है। डायलेशन इज अ कंपेरिजन, टाइम डायलेशन इज अ कंपेरिजन बिटवीन द टू टाइम, ये कंपेरिजन होता है दो टाइम। और जबकि मैं जो यहाँ पर मौजूद था, मैं उस एक्शन के लिए आधा घंटा वेट कर रहा था कि आधे घंटे बाद पहुंचेगा। इसका मतलब कि आपने ये बात देखी कि जनाब वो शख्स जो स्पीड ऑफ लाइट से या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका टाइम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है। और जो मैं जो उस फ्रेम से आउट हूँ, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा, तो मेरा टाइम जो है उसके मुकाबले में क्या होगा जनाब, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मजीद एग्जांपल से। देखिएगा यहाँ पर पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो है वही लॉरेंस फैक्टर को यूज़ करते हुए टाइम डायलेशन को यूज़ किया गया। टी नॉट जो है रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, टी जो है वो मूविंग मास या रिलेटिव मास कहलाता है। टी नॉट को डिवाइड कर दिया हमने इस लॉरेंस फैक्टर से, नॉट डिवाइड किया या ड्राइव होकर इक्वेशन आई है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ड्राइव यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ड्राइव किया, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिली है जना। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, लेट सपोज मैं बस में बैठा हुआ हूँ, मैं बस में जो है बॉल को टॉस करता हूँ, ये मैंने बॉल को टॉस किया, ये मैंने बॉल को टॉस किया, बॉल अप गई और वापस कहाँ आई, डाउनवर्ड आई और मेरे ही हाथ में आई और मैं इस बॉल को कैच कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बस से बाहर मौजूद आप भी हैं, ठीक है, जो इस एक्शन को देख रहे थे, ठीक है, जो इस एक्शन को देख रहे थे, बस मूव कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आप जब इस एक्शन को देख रहे थे तो आपको क्या लगा कि ये बॉल इस तरह नंबर 1 एग्जाम्पल की तरह टॉस नहीं कर रही, बल्कि आपको बाहर जो मौजूद शख्स होगा उसको इस तरह नजर आएगी कि ये बॉल इस तरह गई और वापस इस तरह आई, ठीक है। अब ये जो हाइट एच थी, ठीक है, अब मैं इस बात को इस तरह बता देता हूँ कि लेट सपोज उसको नजर आया, बाहर वाले शख्स को नजर आया कि ये बॉल इस तरह गई, जबकि अंदर वाले शख्स के लिए ये बॉल इस तरह आई थी। और अगर हम देखें तो, सॉरी,
ये हमारे पास जो है एक्चुअली ये जो आपके पास हिस्सा है ये टाइम क्या लगा, एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, ये टाइम क्या लगा, एक्स्ट्रा लगा किसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ देखें इसको, ये एक्शन कुछ इस तरह अंदर आया, ठीक है, और नज़र उसको इस तरह आना चाहिए था, एक ही बात है, ये ले लें ट्राइंगल या ये ट्राइंगल ले लें, ये ट्राइंगल ले लें या ये ट्राइंगल ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ क्या फील हुआ इसको कि टाइम क्या हो गया, डायलेट हो गया। मैं आगे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इस एक्शन में ज़रा देखें कि लेट सपोज ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप, ये स्पेसशिप के अंदर है जो चीज़ में, ये अंदर फिनोमिनन हो रहा है जो मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये स्पेसशिप में अंदर बैठा हुआ शख्स जो है इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक। तो होता ये क्या है कि एक लाइट फोटोन है या फोटोन ऑफ लाइट है, ये फोटोन होता ही लाइट पार्टिकल है, ठीक है, एक फोटोन है जो इस स्पेसशिप के अंदर हो रहा है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट है जो इस मिरर पे आकर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, यहाँ पे बैठा हुआ मैं जो हूँ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, ये फोटोन जाता है मिरर से, स्ट्राइक करता है और वापस आ जाता है, तो मुझे ये डिस्टेंस एच फील होता है इसका, जाने का एच, आने का एच, तो 2h फील होता है, ठीक है बेटा। ये किसके लिए, स्पेसशिप के लिए, और स्पेसशिप जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, ठीक है, और मैं अपने आप को अंदर जो, और यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव कर रहा है, मैं अपने आप को अंदर रेस्ट में फील कर रहा हूँ, ठीक है, और इस फोटॉन को मैं बाउंस होता हुआ देख सकता हूँ, ठीक है, और इसका टाइम भी नोट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल टू में इसी तरह, एग्जाम्पल टू में आप हैं ये, और आप जो है इस स्पेसशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस स्पेसशिप में ये जो फोटॉन है, ये फोटॉन के रिपल्जन का फिनमिनन आप देख रहे हैं, ठीक है, रिपल्जन का फिनमिनन आप देख रहे हैं। आपको ये जो फोटॉन है, लेट सपोज जो स्पेसशिप यहाँ पर थी, ये जो फोटॉन है आपको इस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी इतना एक्स्ट्रा जो है आपको टाइम लग रहा होगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों फिनमिनन को मर्ज करें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो फोटॉन था स्ट्राइक करके वापस आ गया, यहाँ गया और फिर वापस आ गया, इसको कम टाइम लग रहा था, स्लोअर टाइम लग रहा था, तो ये क्लॉक जो है क्या कर रही होगी, स्लोअर मूव कर रही होगी, लेकिन ये जो था इसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, इसका मतलब ये क्लॉक जो है कैसी मूव कर रही होगी, फास्टर मूव कर रही होगी, कैसी मूव कर रही होगी, फास्टर। तो आप इसमें देख सकते हैं ये क्लॉक जो है इस 55 मिनट्स पे लेट सपोज पहुंच गई है, तो यहाँ जो क्लॉक है वो 35 मिनट्स पे मौजूद है सपोज, ठीक है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर जो भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा होगा उसका टाइम जो है क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। या जारी बात है, जब क्लॉक स्लोअर चल रही है तो फिर उसे कवर करने में टाइम क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। अच्छा अब ज़रा आगे चलते हैं, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन को लेट सपोज समझने के लिए मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मास 1, मास 2 एंड मास 3। मेरा सवाल है, मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा मास बड़ा है, M1, M2 या M3। तो आपका जवाब आएगा 3 बड़ा है, ठीक है, M3 बड़ा है M2 से, और M2 बड़ा है किससे, M1 से। अब मैंने इसको दे दी स्पीड, क्या दे दी, स्पीड। सवाल नंबर 2, मुझे बताइए इस मास 1 को रोकना है, मास 2 को रोकना है और मास 3 को रोकना है, रुक जाएगा। मुझे ये बताएं कि किस पर फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा सबसे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगी किस पर, मास 3 पर, कम फोर्स लगाना पड़ेगी मास 2 पर, और कम फोर्स लगाना पड़ेगी किस पर, मास 1 पर। क्या कहाँ फोर्स लगाना पड़ रही है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ दैट बॉडी, अगेंस्ट द
मोशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। आई थिंक अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉडी के लिए आप एक फ्रॉम पढ़कर आए थे जनाब, स्लाइड 2 या 3 के अंदर वर्ड आपने पढ़ा था इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया जो आपने स्टडी किया था, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है या वो फोर्स जो अपोज करे मोशन ऑफ द बॉडी को, ठीक है। या हमने ये कहा था कि जितना मास ज़्यादा होगा क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा और फोर्स भी क्या लग रही होगी, ज़्यादा लग रही होगी। और इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है, और ये टर्म क्या कहलाती है, इन एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन सब को कंक्लूड कर कर बेटा हम एक बात यहाँ पर सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि मास एंड एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों एक ही टर्म हैं। मास ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी ज़्यादा, मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है बेटा, मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो अब ज़रा देखते हैं हमने क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स में, फिजिक्स में मास और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल हैं, मास और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में। न्यूक्लियर फिजिक्स इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। जो हम रिएक्शन पढ़ कर आ रहे हैं, जैसा कि अभी इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे एनाहिलेशन ऑफ मैटर, हमने मास डिफेक्ट पढ़ा, हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा, ठीक है बेटा। तो तमाम न्यूक्लियर रिएक्शन जो है कंजर्वेशन लॉस को ओबे करते हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइंस्टाइन ने कंक्लूड किया कि एनर्जी जो है वो क्या रखती है, इनर्शिया रखती है। एनर्जी क्या रखती है, इनर्शिया। इसका मतलब मोर एनर्जी अ बॉडी पजेसेस, मोर इनर्शिया दैट बॉडी विल डिस्प्ले। जितनी एनर्जी पजेस करेगी उतना इनर्शिया जो है वो बॉडी क्या करेगा, डिस्प्ले। इसकी आसान सी बात है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर मौजूद है और आपको मैं धक्का देता हूँ और आप गिरने लगते हैं, आप उतनी फुर्ती से रिपल बैक होंगे और मुझ पर अटैक कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मोर द एनर्जी मोर द इनर्शिया, जितनी एनर्जी होगी उतना इनर्शिया भी होगा, जितनी एनर्जी होगी उतना इनर्शिया भी होगा, ठीक है बेटा। दिस इज मास एनर्जी रिलेशन और आइंस्टाइन ने इसको अपनी इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, आगे मैं सब आपको बता चुका हूँ, बहरहाल फिर भी देख लें आप। सिंस इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज एसोसिएटेड विद द मास, thus from the Einstein argument mass is simply the property and property or attribute, property and attribute to the total energy of the body। बात हम कर चुके हैं और ये equation जो है is equal to mc square है, जहाँ पर c जो है speed of light है, c जो है speed of light है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो next topic है वो है black body radiation। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर मैं थर्मल फिजिक्स को एक्सप्लेन करूँगा। थर्मोडाइनमिक्स में अगर बेटा एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहे थे, लेट सपोज़ ये आयरन रॉड है, ठीक है। आयरन रॉड को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, ठीक है। अब आयरन रॉड को जब हीट किया जाए और कंटिन्यूस उसका स्पेक्ट्रम लिया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो आयरन का कलर जो है लेट सपोज़ ये डार्क ब्राउन था, ये जो है वेरी डार्क ब्राउन था, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ, लाइट ब्राउन हुआ, फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, मज़ीद उससे लाइट होगा, मज़ीद उससे लाइट होगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इसमें से वाइट लाइट प्रोड्यूस हो शायद, ठीक है, बहुत ही लाइट ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट ब्राउन हो जाएगा। तो थर्मोडाइनमिक्स में इन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा था, इन स्पेक्ट्रम को देखा जा रहा था, ठीक है।
अब सवाल ये पैदा हुआ कि इसके अंदर से ये रेडिएशन कैसे निकल रही थी। जवाब यह है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई होंगी, ठीक है। तो इसी से हमारे पास डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम भी मिला, डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम को स्टडी भी किया। फिर ये स्टडी की गई कि ऐसे कौन से कलर्स हैं जो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब स्टडी की गई, फाइनली पता चला कि ऐसा कलर जो है सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो ब्लैक कलर है। ठीक है बेटा, क्या है? ब्लैक कलर है। तो रेडिएशन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला कलर ब्लैक कलर है, रेडिएशन एब्जॉर्बर कहलाता है। और परफेक्टली जो है, और अगर कम्प्लीटली अगर उसमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए तो वो ब्लैक कलर जो है क्या करता है, 100% एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसका भी एक रूल है, एब्जॉर्प्शन कब करेगा। लेट सपोज जो रेडिएशन आ रही है उसका टेम्परेचर, और जिस बॉडी में वो पेनिट्रेट हो रही है उसका टेम्परेचर, ठीक है। जिस बॉडी में पेनिट्रेट हो रही है उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए, और जो रेडिएशन आ रही है उसका टेम्परेचर उस बॉडी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगी तमाम बॉडीज़। बट वॉट इज़ ब्लैक बॉडी, इसको पहले देखते हैं। ब्लैक बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल से, ये हमने एग्जाम्पल ली, आपने देखा कि यहाँ सोर्स से ये कोई रेडिएशन थी जो एंटर हुई इस ब्लैक बॉडी में, और ब्लैक बॉडी में एंटर होने के बाद ये हमने एक्चुअली किया क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये लेट सपोज एक ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है बेटा, लेट सपोज एक ब्लॉक था। ब्लॉक में हमने क्या किया, एक होल किया और अंदर जो है इसको शैलो डीप कर दिया, सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी, या जो भी कह ले, अंदर हमने थोड़ा सा एक होल कर दिया, ठीक है। होल करने के बाद हमने क्या किया, इसकी सरफेस पे सिल्वर पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश कर दिया, और ये सिल्वर पॉलिश कम्प्लीटली इस सरफेस पर कर दी गई। ये होल बहुत ही बारीक था, जब लाइट इसमें एंटर हुई तो एंटर होने के बाद इस सिल्वर पॉलिश की वजह से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हुआ, फिर इसने रिफ्लेक्ट किया, फिर इंटेंसिटी बढ़ी, फिर इसने रिफ्लेक्ट किया, फिर इंटेंसिटी बढ़ी, फिर इसने रिफ्लेक्ट किया, फिर इंटेंसिटी बढ़ी, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर इंटेंसिटी बढ़ी, और रिफ्लेक्ट किया, इंटेंसिटी बढ़ी। इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया कि ये इस बॉडी के अंदर क्या कर गई, पेनिट्रेट कर गई। क्या कर गई? पेनिट्रेट कर गई। जैसा कि आपने देखा इस एच पॉइंट पर लाइट जो है वो क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, इंटेंसिटी बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है जनाब। तो वो बढ़ गई, कब बढ़ी? एट जनाब, कब एब्जॉर्ब हुई? एट लो टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब हो गई। तो 100% जो है रेडिएशन एट लो टेम्परेचर क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे हीट दूंगा, क्या करूंगा, हीट दूंगा, तो ये रेडिएशन दोबारा एस से निकल कर टकरा कर, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, रेडिएशन का कम है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ से आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। तो ये परफेक्ट रेडिएटर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट रेडिएटर। एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर और रेडिएटर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर एंड परफेक्ट रेडिएटर एट हाई टेम्परेचर। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, और उससे मिलने वाली रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। जो कह लें इर्तका थी किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की जान थी और स्टार्टिंग पॉइंट था कि जिससे हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में सोच सकें। आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव और रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है हर किस्म की वेव और रेडिएशन पर कंसिस्ट होनी चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और जो वेवलेंथ है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल और द परफेक्ट एब्जॉर्बर एट रिलेटिव लो टेम्परेचर। एब्जॉर्बर होगा लो टेम्परेचर पर, रेडिएटर होगा एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और जो कर्व है टेल्स अस दैट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल
ऑफ द कैविटी एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है टेम्परेचर ऑफ द कैविटी पे तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी, कैविटी जिस नसल की जिस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कौन ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बताती है, कर्व, कर्व से मुराद ग्राफ, कर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ज़रा आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट ओनली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट रीजन में जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये ब्लैक बॉडी का एक कर्व है जिसको हम लॉस के ज़रिए हम मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विच इज़ द इंटेंसिटी। ठीक है, और एमिसिव पावर भी कहलाती है, और वेवलेंथ के दरमियान ये बेटा ग्राफ है। और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये आपको डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट मिल रही हैं। ठीक है, ये आपको अगर आप देखें तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 5500 केल्विन है, और ये तकरीबन 5000 केल्विन है, ये 4500 केल्विन है, 4000 केल्विन है और 3000 केल्विन है। अब आप देख रहे हैं जिसका टेम्परेचर सबसे कम है उसकी इंटेंसिटी भी कम है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये आप बात नोट कर लें। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो वेवलेंथ जो है हमारे पास यहाँ से आगे बढ़ रही है, आगे की जानिब जा रही है, तो यहाँ पर वेवलेंथ कम है और यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इस कर्व को अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर सकूं, अगर इस कर्व को देखें तो ड्रॉ सही नहीं हो रहा बेटा मुझसे, ओके सॉरी क्लियर ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर स्केल की मदद से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, यहाँ पर अगर कर्व को देखें ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, आई एम ट्राइंग, और ये हो गया आपके पास। आप देखते जाइए ये आपको क्या हो रही है, ठीक है, ये वेवलेंथ जो है आपके पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगी, ये कम वेवलेंथ का की तरफ है और ये ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शो कर रहा है, सही है, तो ये बात नोट कीजिएगा। आगे हम इसको लॉस में मज़ीद समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ जो है आपको मौजूद है, और आप इस ग्राफ में जो है ये रीजन देख रहे हैं, विजिबल रीजन से जो है आपके पास इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रीजन में ये एग्जिस्ट कर रही है लाइट। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट है और ये इंफ्रारेड है। ठीक है बेटा, अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड रीजन में ये एग्जिस्ट कर रही है तमाम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। ठीक है, जिसमें हम पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अच्छा अब विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या बात होती है, और विंस ने ये तकरीबन लॉ जो था आई थिंक 1893 में दिया था, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दिया था, और इसके तहत जो था कि जो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेंड होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, यानी हम अगर इस मैक्सिमम वेवलेंथ पे जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या, रेडिएशन का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या है, कम। तो वेवलेंथ एंड टेम्परेचर हैज़ इन्वर्स रिलेशन, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर हैज़ इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पर
ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर रिलेशन शो कर रहा है वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली ये टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन नहीं ऑब्जर्व हो रहा था, ये एक्चुअली यहाँ पर जो ऑब्जर्व हो रहा था वो नेचर ऑफ लाइट को बताया जा रहा था कि लाइट है क्या, व्हाट आर दी रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, लाइट ही है। तो रेडिएशन को यानी लाइट को डिस्कस करने की कोशिश की जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, एंड ये यहाँ पर फेल हो जाता है। आगे चलते हैं, स्टेफन्स एंड बोल्ट्समैन लॉ। स्टेफन्स एंड बोल्ट्समैन लॉ जो है वो क्या डिस्कस करता है, स्टेफन्स एंड बोल्ट्समैन लॉ जो है वो रिलेशन डिस्कस करता है किसके दरमियान, देखिए जनाब, एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। यानी अगेन रेडिएशन को अब डिस्कस किया गया डिफाइन करने के लिए वो किसकी मदद से, एनर्जी और टेम्परेचर की मदद से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू पावर 4 की मदद से। क्या कहता है कि जनाब, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेडिएटिव पावर या एमिसिव पावर कहलाती है, ठीक है, ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो तमाम वेवलेंथ की जो रेडिएट हो रही हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी जब 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखेंगे तो ये रिलेशन ओबे करेगा। तो इन्होंने लाइट को या रेडिएशन को बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है, एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड टेम्परेचर की बेसिस पर, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, हमारा थर्ड लॉ है बेटा रेले जीन्स लॉ, ठीक है, रेलाय एंड जीन्स लॉ, ठीक है। रेले एंड जीन्स लॉ जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। जो यानी इसने लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात थी, ठीक है, और वो अजीब बात क्या थी कि इस एनर्जी और वेवलेंथ की बेसिस पर जो है रिले एंड जीन्स जो है वो फिर मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है बेटा, और इस बात को यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे थे कि लाइट को आया के किन बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सके। अगर रिले जीन्स की बात को अगर हम सच मान लें तो विंस जो है उस बात को अपोज कर रहा है, ठीक है, विंस जो है इस बात को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो बहरहाल इसका जो सॉल्यूशन था इन तीनों लॉस का वो दिया किसने, प्लैंक्स ने। रेले जीन्स लॉ को हम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ भी कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड नहीं किया, शायद आगे कर दिया हो, बहरहाल रह गया, देख लेते हैं आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों आई, क्या वजह थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाने की। देखें, रिले एंड जीन्स जो है अपना लॉ जो है वो पेश कर चुके थे क्लासिकली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लैंक्स ने ये बात सोची कि वेंस और रिले जीन्स जो है वो अपना फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी की बेसिस पर अपना फॉर्मूला दोनों पेश कर चुके हैं। अगर विंस को सपोज मैं मान लूँ कि सही है तो रिले उसको उसका अपोज हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और रिले को अगर मान लूँ वो सही है तो विंस गलत हो रहा है। तो दोनों ही काम दो साइंटिस्ट जो हैं एक दूसरे के अपोजिशन में कर चुके हैं, और दोनों ही बातें वो फिट नहीं हो रही हैं, क्योंकि कभी भी लॉ जो है खुद अपने आप को निगेट किसी भी वैल्यू पर नहीं करता। जब लॉ होता है तो वो ऑल वैल्यूज पर क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। तो बात आगे बढ़ती है, प्लैंक्स जो था बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, उसने इस फ्लॉ को अंडरस्टैंड किया
और ये बात अंडरस्टैंड की कि जनाब शायद जो है फ्लॉ जो है वो क्लासिकल थ्योरी में होगा, यानी जो क्लासिकल थ्योरी बनाई गई थी, क्लासिकल थ्योरी इटसेल्फ गलत हो सकती है, शायद ये गलत ना हो। ठीक, तो इस बात को आगे लेकर चलकर तकरीबन तकरीबन 1900 सेंचुरी में प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसे नाम दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। क्या नाम दिया बेटा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। ठीक है, जो किसके लिए थी? हीट ऑफ रेडिएशन के लिए थी। किसके लिए थी? हीट ऑफ रेडिएशन के लिए थी। ठीक, अब जिसमें मैंने इधर थोड़ा सा कम लिखा है, ठीक है, जिसमें अब आप पढ़ सकते हैं उसको भी, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि रेडिएशन आर एमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट मैनर, कि रेडिएशन जो है एमिट भी हो सकती हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। किसमें? डिस्क्रीट मैनर में। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा है शायद वो इसको उसी को डिस्कस भी कर रहा हो, तो इस पहले पॉइंट में ज़रा देख लें, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस। तो ये वही बात है जो मैंने अभी अभी आपसे कही। क्या कही? कि रेडिएशन आर एमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट मैनर। रेडिएशन जो है एमिट या एब्जॉर्ब होती है डिस्क्रीट मैनर में, इसका मतलब कंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब और एमिट नहीं होती। ठीक है, व्हाट इवन बाय कंटिन्यूस मैनर? कंटिन्यूस मैनर को मैं ज़रा सा समझा देता हूँ। लेट सपोज ये आपने एक स्लोप बनाया है, ठीक है, और गलती से आप इस पर बॉल को मूव करवाएं तो बॉल रुकेगी नहीं और बिल्कुल फ्लो में चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपने लेट सपोज स्टेयर्स बनाई हैं, अगर बॉल को यहाँ ड्रॉप करेंगे तो बॉल यहाँ बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ बाउंस करेगी, ऊपर जाएगी और फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल टू है ये डिस्क्रीट मैनर है। क्या है? डिस्क्रीट मैनर है। ये जो एग्जाम्पल वन है ये कंटिन्यूअस मैनर है। क्या है बेटा? कंटिन्यूअस मैनर। तो ये कंटिन्यूअस मैनर में बॉल मूव कर रही है और ये डिस्क्रीट मैनर में क्या कर रही है? बॉल मूव कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आगे यहाँ जो आपको बताया हुआ है, ओनली दोज हार्मोनिक ऑसिलेटर इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोज मिनिमम एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, जनाब यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए था कि सिर्फ जो है ये बात यहाँ पर शायद कंप्लीट नहीं है, रह गई होगी, मिस हो गया टाइम। बहरहाल मैं आपको बताता जाता हूँ, इस बात को इस तरह समझा देता हूँ कि ऑसिलेटर जो हैं, अब ऑसिलेटर क्या होते हैं, एक डब्बा लें उसमें पत्थर डालें और उस पत्थर को जो है इस डब्बे में मूव करें तो क्या होगा? डग 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 आवाज़ आएगी, लेकिन उस आवाज़ को हम क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? वेव। तो इसी तरह ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, मैं एनर्जी ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ या रेडिएशन ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ। ऐसा डब्बा जिसको गर्म किया जाए और उससे रेडिएशन निकलना शुरू हो जाए तो वो रेडिएशन ऑसिलेटर कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसी बॉडी जिससे रेडिएशन निकल रही हो रेडिएशन ऑसिलेटर कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑसिलेटर रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स एंड ईच पैकेट वी कैन से नॉट वी कैन से ऑन द प्लैंक्स क्वांटम टर्म्ड एज क्वांटम। ठीक है, तो हर पैकेट को जो है प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक्स ने किसका नाम दिया? क्वांटम का नाम दिया। इसीलिए उसकी थ्योरी को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा गया। ठीक है, और वो एनर्जी जो है हमारे पास किसके इक्वल है बेटा? एच न्यू के इक्वल है। एच जो है वो कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। दिस इज द मैक्स प्लैंक्स वैल्यू, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, और इसकी जो डायमेंशन है, एच की जो डायमेंशन है
वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, एच की जो डायमेंशन है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है, वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है। अच्छा, तो मेन पॉइंट क्या था कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट इन मैनर होती है। हम आइनस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर करेंगे बेटा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट इन मैनर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अच्छा, अब जो है हमारा अगला, अच्छा ये बात रह गई थी, सॉरी मिस हो गई थी ये स्लाइड। तो हमारे पास है बेटा बात क्या, अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, तो अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रॉफ को हम रेले जीन्स लॉ भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। और यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन था कि ये जो रेडिएशन हमें मिल रही थी बेटा, ये जो रेडिएशन हमें मिल रही थी, ये तमाम की तमाम इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन के बिटवीन मिल रही थी। ठीक है, तो इन रेडिएशन में हम देख लेते हैं कि जनाब है क्या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये कह लें कि जो टोटल एनर्जी आपको मिल रही होती है, ठीक है, वो अगर इनफाइनाइट हो जाए, इवन किस पर, शॉर्टर वेवलेंथ पर, इवन किस पर, शॉर्टर वेवलेंथ पर। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि बहुत शॉर्टर वेवलेंथ पर भी हमें क्या हो रहा था, इस रेले जीन्स लॉ में शॉर्टर वेवलेंथ पर क्या मिल रही थी, एनर्जी इनफाइनाइट मिल रही थी। एनर्जी जो है वो क्या मिल रही थी, इनफाइनाइट, और वेवलेंथ क्या थी, शॉर्टर थी। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ पे जब एनर्जी इनफाइनाइट मिल जाए, इस अमल को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन था इन एन एक्चुअल, ठीक है, इस रेले जीन्स लॉ के बाद से जो इक्वेशन हमने पढ़ी बेटा। आगे एक एक्स्ट्रा बात है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ एनर्जी रेडिएशन लाइज इन द रीजन ऑफ द एक्स रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस। तो ये एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेस के रीजन में मिल रही थी हमें। ठीक है बेटा, कौन, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, और ये आप ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पूरा आपके पास ब्लैक बॉडी रीजन का ग्राफ था, यहाँ आपको रेले जीन्स लॉ अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ मिल रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आपको जो है ये प्लैंक्स लॉ का फॉर्मूला वैलिड हो रहा है। आगे चलते हैं, फोटोन के बारे में देखते हैं बेटा। व्हाट इज फोटोन, फोटोन क्या है, इट्स बीन अबाउट 1.25 आवर्स हो गए हैं। चले इस टॉपिक के बाद मैं वाइंड अप करता हूँ फोटोन के बाद। ठीक है, तो फोटोन देख लें ताकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के काबिल हो जाएं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। मैंने कहा था आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पढ़ेंगे, लेकिन इट्स बीन टू लेट राइट नाउ। आई थिंक व्हाट टाइम इज़ इट राइट नाउ, इट्स बीन राइट नाउ अबाउट 2 o'clock, रात के 2 बज रहे हैं और बहुत देर हो गई है। तो हम इस फोटोन के बाद जो है इस लेक्चर को मैं माइंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि फिर सुकून से मैं चाहूँगा कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दूँ। ठीक है बेटा, तो फोटोन देखते हैं, फोटोन क्या है। जैसा कि मैक्स प्लैंक्स ने जो है अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पेश किया, और उसमें कहा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट इन मैनर जो है वो ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल और वेव पैकेट्स, और उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, और वो क्वांटा जो है क्या होता है, फोटोन होता है। क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, फोटोन के लिए अब थोड़ा सा हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा, ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इस एच न्यू एनर्जी का। व्हाट इज एन, एन इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर, यानी आपके पास न्यूक्लियस, ऑर्बिट वन, ऑर्बिट टू एंड सो ऑन।
हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी, N1, N2 एंड N3। N1, N2, 3 ऑर्बिट नंबर नहीं है बल्कि इनके बीच मौजूद जो है तमाम एनर्जी लेवल्स हैं, तमाम एनर्जी लेवल्स, ठीक है, सब ऑर्बिटल्स एंड एक्स वाई जी इन बिटवीन, जो भी गैप है उसके दरमियान जो भी लेवल है, वो हर लेवल जो है एक एक लाइन का गैप छोड़े बगैर वो तमाम एनर्जी लेवल है, वो तमाम एनर्जी लेवल को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, एन के, उस एनर्जी स्टेट के। अच्छा, अब फोटॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। फोटॉन जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर रखता है, क्या रखता है, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर रखता है। फोटॉन हैज़ नो चार्ज, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं होता, नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में ज़रा जानते हैं फोटॉन की, तो फोटॉन कैसी नेचर रखता है, यस फोटॉन हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ठीक है। फोटॉन जो है एक्चुअली क्या होती हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं या एनर्जी पार्टिकल्स भी कहते हैं, और ये एनर्जी पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, एनर्जी पार्टिकल जो है क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ फोटॉन जो है बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी से मूव करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन इज मासलेस, फोटॉन जो है वो मासलेस होता है, फोटॉन इज अबाउट मासलेस और द लाइटेस्ट पार्टिकल बिकॉज इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, ये एनर्जी पार्टिकल के लिए और ये मैसिव पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है मैसिव पार्टिकल के लिए और ये एनर्जी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, बेटा जहन में रखिएगा, ठीक। आगे बात करता हूँ मैं कि लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, हमने मोमेंटम पढ़ा, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी जो है की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट पुट कर रहे हैं, तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट जो है, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, मोमेंटम के, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम देखें यहाँ पर, तो एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, एम सी स्क्वायर ओवर सी के, सी से सी कैंसिल किया, तो एनर्जी अपॉन सी जो है वो किसके बराबर आ गया, एम सी के, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह ई बराबर होता है किसके, एच न्यू के, तो इस ई की जगह जो है एच न्यू पुट किया, एच न्यू अपॉन सी, और सी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है या न्यू लेमडा होता है, तो यहाँ पर हमने सॉरी इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, एक और बात बताते हुए, तो आप पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसी तरह C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है ये आप पढ़ चुके हैं किसके लिए, मुझ जैसे आप जैसे ऑब्जेक्ट के लिए जो भाग रहा हो स्पीड V से, और वो तमाम ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो वो बराबर होता है किससे बेटा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, हमें जो है यहाँ पर क्या रिलेशन बनाना है, इधर देखें ज़रा, ये है फ्रिक्वेंसी अपॉन सी, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है सी डिवाइड में ले, ये हो गया फ्रिक्वेंसी ओवर सी, लैम्डा मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में ले जाइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा जो है एफ अपॉन सी के बराबर है, तो यानी न्यू अपॉन सी की जगह हमने 1 अपॉन लैम्डा पुट कर दिया, तो एच अपॉन लैम्डा आ गया, तो फाइनली जो मोमेंटम है वो किसके बराबर आया है, एच अपॉन लैम्डा के बराबर आया है, डी ब्रॉगले इक्वेशन में बेटा ये यूज़ होगा, याद रखिएगा डी ब्रॉगले इक्वेशन में, डी ब्रॉगले इक्वेशन।
स्टेबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ द फोटॉन। स्टेबिलिटी और लाइफ टाइम क्या है फोटॉन का? फोटॉन डज नॉट डीके स्पॉन्टेनियसली इनटू अदर पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर फोटॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अगर फोटॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली डीके नहीं होता अदर पार्टिकल्स में, सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है बेटा। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द फोटॉन इज इनफाइनाइट। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में मोस्ट स्टेबल पार्टिकल, उसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है बेटा। ठीक है, एंटी पार्टिकल, तो फोटॉन जो है इस यूनिवर्स में वो वाहिद पार्टिकल है जिसका कोई एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स में। कहें तो ये गलत नहीं होगा कि वो वाहिद पार्टिकल है जिसका कोई एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हम रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बेटा बताता हुआ चलूँ रिक्वेस्ट के साथ, प्लीज़ इस लेक्चर को पढ़ने के बाद दोबारा खुद से पढ़िएगा, दोबारा खुद से देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जिसमें प्रॉब्लम हो वो मार्क करें, उन क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बुक्स पढ़ें या लेक्चर देखें, अगर सॉल्व हो जाए दोबारा तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर मेरे लिए रखिएगा। और मैंने रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि, और मुझे मजबूरन जो है वो टाइम सेट करना पड़ा। क्यों सेट करना पड़ा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डिसार्ट हो मेरी वजह से। रीज़न ये था बेटा कि रात 11 बजे भी मैसेज आ रहा है कि सर फौरन बता दें, रात 12 बजे भी मैसेज आ रहा है सर फौरन बता दें, सुबह सुबह मैसेज आ रहा है सर फौरन बता दें, किसी ने सुबह 6 बजे मैसेज कर दिया सर फौरन बता दें। तो बेटा काइंडली, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टीचर हूँ और मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। मसला ये होता है बेटा जब मैं अपना ये टाइम, मेरा एक स्पेसिफिक है जब मैं बच्चों से या घर से फारिग होता हूँ तो फिर आपके इस लेक्चर्स के लिए बैठता हूँ। जब लेक्चर के लिए बैठता हूँ तो मुझे इस ऑनलाइन के लिए सबसे बड़ा मसला है टाइपिंग करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, इसमें सारा सारा दिन लग जाता है बाय गॉड। ठीक है, सारा सारा दिन लग जाता है अल्लाह का भाई। तो आज भी मैं सुबह से बैठा हुआ था, स्लाइड्स को बना रहा था, कंटिन्यूली बैठा हुआ था 3-4 दिन से और इनको फाइनल कर रहा था, फिर उसको प्रूफ रीड कर रहा होता, बहुत सारे काम होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये समझे रात 12 बजे जो है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी ताकि हर जगह खामोशी हो जाए और रिकॉर्डिंग हो सके। तो बस इसलिए मैंने टाइम स्पेसिफाई किया, ट्यूसडे वेंसडे जब आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फ्राइडे मुझे उन्हें डील करना इजी हो जाएगा। फ्राइडे इसलिए दिया कि शायद मैं उस टाइम फ्री ना हूँ, ट्यूसडे वेंसडे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए, थर्सडे फ्री ना हूँ तो फ्राइडे दे दूँ, और फ्राइडे अगर मुझे पता चलेगा बिजी हूँ तो मैं थर्सडे दे दूँगा। तो बस ये टाइम लैप इसलिए लिया आपसे कि आपकी ईजीनेस के लिए, ना कि आपको टीज करूँ। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे के लिए बेटा। देखें, 2 दिन फिजिकल हमारी क्लासेस होती थी तो उसी में आकर मैं क्वेश्चन बताता था, उसी में डिस्कस करता था, सब कुछ उसी में होता था। ठीक है, तो आप भी तो हफ्ता वेट करते थे ना, तो यहाँ तो मैं आपको 3 डेज दे रहा हूँ, 2 दिन आप अपने क्वेश्चन करें, 1 डे मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।